नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2024 में पड़ने वाली कामिका एकादशी व्रत के बारे में। यह एकादशी का व्रत साल 2024 में कौन सी तिथि को पड़ेगा, वार क्या होगा, पूजा की विधियां क्या होंगी, मुहूर्त क्या होगा और अन्य सभी प्रकार की जानकारी जो प्रत्येक मनुष्य को जरूर मालूम होनी चाहिए। एकादशी का व्रत सभी व्रतों का राजा कहलाता है और एकादशी का व्रत जो भी भक्तगण करते हैं उन सभी भक्तगणों पर भगवान श्री हरि की असीम कृपा बरसती रहती है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदी बनी रहे, इस कामना के साथ ही आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, कामिका एकादशी जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, इसका अर्थ है कामनाओं को पूर्ण करने की एकादशी। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय माना जाता है और जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हैं वैसे भक्त भगवान श्री हरि के हृदय के अत्यधिक नज़दीक भी होते हैं। भगवान श्री हरि ऐसे भक्तों को समस्त पीड़ाओं से दूर रखते हैं और सदैव उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे में एकादशी का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करने में किसी भी कारण से सामर्थ्य न रखता हो अथवा असमर्थ हो या गर्भावस्था में महिलाएं हो, उन सभी को कम से कम इस दिन अन्न का सेवन तो बिल्कुल त्याग कर देना चाहिए। भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम जानते हैं साल 2024 में कामिका एकादशी का व्रत किस दिन पड़ेगा, वार क्या होगा, तिथियां क्या होंगी। कामिका एकादशी का आरंभ 30 जुलाई की संध्या काल को 4:45 पर हो रहा है और इसका समापन 31 जुलाई की दोपहर को 3:55 पर होगा। हम सभी जानते हैं सनातन धर्म में उन्हीं व्रत त्यौहार को रखने की महत्ता बतलाई गई है जो सूर्य उदय के साथ हमें प्राप्त हो रहे हैं। सूर्य उदय के साथ जो व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं वह 31 जुलाई और दिन बुधवार का है। इस दिन हम सभी व्रत रखेंगे, भगवान श्री हरि की पूजन प्रार्थना आराधना करेंगे। अब आगे की जानकारी से पहले हम जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं एकादशी का व्रत तो तभी सार्थक होता है जब आप पारण सही समय पर करते हैं, सही नियम और विधियों के अनुसार करते हैं। तो दोनों ही चीज़ें हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं पारण का मुहूर्त। पारण का शुभ मुहूर्त 1 अगस्त को होगा, सूर्योदय के बाद। दिन गुरुवार है। सुबह 6:15 से लेकर के 10:35 के बीच का समय है, इसी दौरान हमें पारण करना है। साथ ही जानते हैं कि पूजन की विधि अब क्या होगी। तो एकादशी का जो भी भक्तगण व्रत रखते हैं या नियम का पालन करते हैं उन्हें एक दिन पहले से ही व्रत का पालन करना होता है। दशमी तिथि को ही हमें शुद्ध सात्विक तरीके से स्नान करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, केशों को अच्छी प्रकार से धो लेना है। स्नान करने के बाद पूजा पाठ जो आप प्रतिदिन की करते हैं उसे आप अच्छी प्रकार से संपन्न कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन को बना करके उसी को आप ग्रहण करें। कोशिश करें कि भोजन स्वयं का बनाया हुआ हो, यानी कि खुद के हाथों से बनाएं ताकि वह पूर्ण तरीके से सात्विक हो। देखिए, आप जो भोजन बनाते हैं ना उसमें आप देवीय ऊर्जा का प्रभाव डालते हैं, क्योंकि आपके मन में पहले से ही श्रद्धा होती है कि आपको पूजा पाठ करना है, तो भोजन में भी उस तरह के गुण आ जाते हैं। इसलिए यह जरूर ध्यान रखना चाहिए। इस दिन आपको बैंगन, शलजम, मूली, सेम की फलियाँ, गोभी, पालक इन सभी चीज़ों को नहीं खाना है। मसूर की दाल और उड़द की दाल को मना किया गया है, तो इनका भी सेवन नहीं करना है। दूसरे के यहाँ का अन्न और जल नहीं सेवन करें, यह विशेष तौर पर बतलाया गया है। भूमि पे शयन एक दिन पूर्व से ही करते हैं तो उसका फल विशेष हो जाता है। ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको अपने आचार विचार पर भी पूर्ण तरीके से संयम और धैर्य रखने की ज़रूरत है। बात बात पर किसी भी प्रकार से गुस्सा या फिर क्रोध, अहंकार इत्यादि त्याग दें। दशमी तिथि को संध्या काल के बाद अन्न का सेवन मना किया जाता है। यदि आप स्वस्थ ना रहते हों या फिर आप दवाइयों का सेवन करते हों तब फल वगैरह लेकर के आप दवाइयों का सेवन कर सकते हैं। और इसके पश्चात दूसरे दिन एकादशी वाले दिन
आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हों तो कम से कम सूर्य उदय के पहले उठने की कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। नित्य क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात स्नान वगैरह करें और साफ स्वच्छ वस्त्र को धारण करें। महिलाएं पीले रंग के वस्त्र धारण करती हैं तो बहुत ही शुभ होता है, या फिर आप हल्के रंग के कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले, नीले, बैंगनी, भूरे इन रंगों का परित्याग कर देना चाहिए। 16 श्रृंगार करें, क्योंकि ये तो आपकी सबसे पहली महत्ता बतलाई गई है। आपको इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ पार्वती के आशीर्वाद से, तो अच्छे प्रकार से श्रृंगार कर लें। उसके बाद सबसे पहले सूर्य नारायण भगवान को जल समर्पण करें। सूर्य प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इनकी पूजा ही की जाती है। आप इन्हें जल अर्पण करने के पश्चात घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करें या रंगोली बनाएं। मुख्य दरवाजे पर वंदन वार लगाना चाहिए, इससे देवीय ऊर्जा आपके घर की ओर प्रभावित होती है। अब घर के पूजा स्थल पर एक दीप प्रज्वलित करें, घी का या फिर तिल के तेल का। भगवान श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प ले लें। व्रत का संकल्प लिए बगैर आपकी कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। व्रत का संकल्प लेने के लिए अपने दाहिने हाथ में आपको जल लेना है, अक्षत लेना है, पुष्प और 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का रखें। दूसरे हाथों से उसे ढक करके फिर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के पश्चात इन सभी चीज़ों को भगवान श्री हरि के चरणों में छोड़ देना है। तत्पश्चात भगवान श्री हरि को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराया जाता है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत वगैरह से अभिषेक कराया जाता है। उन्हें आप वस्त्र के रूप में फिर कलावा समर्पित करें। माथे पर अष्टगंध तिलक या फिर पीले चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इत्र की सेवा देनी चाहिए, इससे आपका संपूर्ण जीवन खुशमय होता है और सुगंधित महकता रहता है, तो ये बहुत ही शुभ होता है। फिर भगवान श्री हरि को भोग लगाएं। जो भी आपके पास भोग, पीले रंग की प्रधानता बहुत अधिक होती है, लेकिन जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का दल अवश्य ही रखें। धूप दीप अर्पण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ करें, बहुत ही ज़्यादा शुभ फल इससे प्राप्त होते हैं। और फिर व्रत की कथा सुनें। व्रत की कथा को सुनने के पश्चात आरती करें और क्षमा याचना करें। एकादशी वाले दिन आपको दिन में शयन नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है या फिर किसी का अपमान नहीं करना है। यदि इन चीज़ों को आप करते हैं तो आपका व्रत पूर्ण फल को नहीं देता है, व्रत खंडित माना जाता है। पूरे दिन भगवान श्री हरि के नामों का स्मरण करते रहें, मानसिक जाप करते रहें। तत्पश्चात आपको दूसरे दिन पारण से पूर्व जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। योग्य ब्राह्मण को दान करने से आपकी पूजा सार्थक होती है। जरूरतमंद को अन्न, भोजन इत्यादि का दान करने से आपको वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसके बाद आप पारण करें। पारण उन्हीं चीज़ों से करें जिनका भोग आपने द्वादशी तिथि को लगाया है, उन्हीं चीज़ों से पारण किया जाता है। तुलसी दल से या फिर कुसा के जल से, तिल से, आंवले से, इन सभी चीज़ों से पारण आप कर सकते हैं। यह पूजा संपूर्ण फलों को देने वाली होती है, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके 1 लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रही, इस कामना के साथ ही आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल हम फिर से मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।